नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। आशीष देशमुख के 3 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई रखी गई बेहद गुप्त। परिवहन मंत्री अनिल परब की घोषणा के बाद एसटी कर्मचारियों का अनशन समाप्त। एसटी कर्मचारियों को मिलेगा 28% महंगाई भत्ता। और 16 महीने बाद स्थायी समिति की ऑफलाइन सभा आज। 24 प्रस्तावों में से 14 प्रस्ताव सड़क के। और अब खबरें विस्तार से। आशीष देशमुख के ठिकानों पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से कार्रवाई की गई। मुंबई से आए अधिकारियों ने गुप्त तरीके से अपने काम को अंजाम दिया। सुबह से ही जारी कार्रवाई की भनक दोपहर के बाद लोगों को लग पाई। देशमुख पर किस सिलसिले में कार्रवाई हुई है, इसका खुलासा देर रात तक नहीं हो सका है, लेकिन अधिकारियों ने देर रात तक कार्यालय में छानबीन जारी रखी। सूत्रों के मुताबिक सदर स्थित श्रीराम टावर के 6वें माले पर स्थित देशमुख के कार्यालय में सबसे पहले छापेमारी शुरू की गई। इसके बाद सिविल लाइन स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ पर भी कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने वर्धा रोड स्थित एक कार्यालय को भी जांच के दायरे में लाया है। नागपुर में इसकी भनक तक नहीं थी। मुंबई ईडी कार्यालय से ही अधिकांश अधिकारी जुड़े हुए थे। गुरुवार को ही कार्रवाई में सीआरपीएफ को साथ रखा गया था। बड़ी संख्या में जवान होने के कारण श्रीराम टावर में एक क्षण के लिए माहौल बेचैनी वाला हो गया, लेकिन बाद में लोगों को समझ आया कि मामला कुछ और ही है। अब तक अनिल देशमुख पर कई बार ईडी ने छापेमारी की है। आशीष देशमुख पर भी पहली बार छापेमारी हुई, इसीलिए अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आशीष देशमुख पर किस मामले को लेकर कार्रवाई की गई है। हालांकि वे बगावती तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन ईडी का इससे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। लोग अनिल देशमुख के मामले को ही इससे जोड़कर देख रहे हैं, जिसके पीछे दोनों के बीच पारिवारिक संबंध है, जिसे देखते हुए कार्रवाई करने के संकेत लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने एसटी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 12% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की। इसके साथ ही बुधवार से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे कर्मचारियों ने गुरुवार की शाम को आंदोलन वापस ले लिया। एसटी कर्मचारियों के आंदोलन की वजह से पहले ही दिन प्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नागपुर में पुलिस भर्ती की परीक्षा होने के कारण सुबह से ही गणेशपेट एसटी बस स्टैंड पर भीड़ देखने को मिली। परीक्षा देने के बाद लौटने वाले उम्मीदवारों को लौटने की जल्दबाजी थी। आंदोलन के कारण अमरावती, अकोला, मुल्ढाना, वर्धा से बसें नहीं आई थी। पुलिस भर्ती में शामिल होने के लिए युवा ट्रैवल्स बसों से आए थे, लेकिन लौटते वक्त भीड़ होने पर महामंडल डिपो प्रमुख ने कुछ बसों को छोड़ने का निर्णय लिया। इसके लिए कुछ कर्मचारियों को कार्य पर भी बुलाया। इसके बाद प्रवासियों ने राहत की सांस ली। दिवाली का सीजन होने के कारण अपने अपने गांव शहर जाने वालों की भीड़ बढ़ गई है। यदि आंदोलन अधिक दिनों तक चलता तो फिर प्रवासियों की मुसीबत बढ़ना तय थी। एसटी कर्मचारी संयुक्त कृति समिति के पदाधिकारी सुनील राठौड़, अजय हटेवार ने बताया कि परिवहन मंत्री अनिल परब ने जल्द निर्णय लेकर योग्य कदम उठाया। राज्य परिवहन महामंडळाच्या गेले 2 दिवसापासून ज्या मागण्या होत्या त्यासाठी उपोषण चालू होतं आणि त्या संदर्भात आज मी स्वतः राज्य परिवहन महामंडळाचे आमचे उपाध्यक्ष चेन्नी साहेब, त्याचबरोबर कृती समितीचे सर्व सदस्य यांच्याबरोबर गेले 2 दिवस बैठका होऊन या बैठकांमध्ये व्यवस्थित निर्णय होऊन आज ह्या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळालेला आहे। कर्मचाऱ्यांना वेळेवरती दिवाळीचा पगार मिळावा यासाठी राज्य शासनाने जी मदत केली आणि त्याचबरोबर दिवाळीची भेट म्हणून त्यांना जे काही पैसे आम्ही कबूल केले होते, या दोन्ही गोष्टींच्या व्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची जी मागणी होती की जो मागच्या वेळी करार झाला होता आणि या करारामध्ये महागाई भत्ता जो राज्य सरकारला मिळतो, महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना 12% मिळत होता, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना तो 28% मागच्या महिन्यापासून लागू झाला होता। त्याचबरोबर त्यांचा जो घरभाडे भत्ता होता
हा देखील कराराचाच एक भाग होता आणि म्हणून ह्या कराराच्या अंतर्गत ज्या दोन गोष्टी होत्या, जो त्यांचा महागाई भत्ता होता हा आता 12% वरून 28% मान्य करण्यात आलेला आहे, त्याचबरोबर घरभाडे भत्ता देखील त्यांचा आम्ही जो कराराचा भाग होता तो मान्य केलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांचा एक मुद्दा जो राहिलेला आहे त्यांचा इन्क्रीमेंटचा जो कराराचा जो भाग आहे त्याच्यावरती चर्चा दिवाळीच्या नंतर बसून करण्यात येईल अशा ह्या त्यांच्या ज्या मागण्या होत्या ह्या मागण्यांवरती यशस्वी चर्चा होऊन हा विषय आज इथे संपलेला आहे. नागपूर महानगरपालिका की 16 महीने बाद स्थायी समिति के 16 सदस्य बैठक चर्चा करेंगे. आज को होने वाली स्थायी समिति की बैठक राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऑफलाइन लेने का निर्णय लिया गया है. समिति में कुल 24 प्रस्ताव मंजूरी के लिए पेश किए जा रहे हैं. इनमें से 14 प्रस्ताव सड़कों के हैं जबकि अन्य प्रस्ताव नाले, विज्ञापन विभाग आदि से जुड़े हैं. स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रकाश भोयर ने कोई नई घोषणा न करते हुए पुरानी योजनाओं के क्रियान्वयन को ही प्राथमिकता देने की घोषणा की है, लेकिन बजट में की गई घोषणाएं अब तक अमल में नहीं आ पाई है. चुनाव में काफी कम समय बचा है, ऐसे में उनके अमल के आसार भी कम नजर आ रहे हैं. इसमें अवैध नालों को नियमित करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना, ई कचरा कलेक्शन की व्यवस्था, राज्य रघुजी भोसले टाउन हॉल का पुनर्निर्माण सहित कई योजनाओं के क्रियान्वयन पर कुछ नहीं हो पाया. मनपा चुनाव में लगभग 4 महीने ही शेष बचे हैं, ऐसे में वर्तमान में सड़कों से जुड़ी फाइलों के निपटारे के लिए पार्षद जुटे हुए हैं. स्थायी समिति में भी पहले की तुलना में फाइलें मंजूर करने की गति बढ़ गई है. हालांकि मनपा चुनाव के पहले ही विधान परिषद सदस्य गिरीश व्यास का कार्यकाल पूरा हो रहा है. उसके स्थान के लिए चुनाव दिसंबर महीने में प्रस्तावित है, ऐसे में नवंबर में उसकी आचार संहिता भी लगने के प्रबल आसार है. ऐसे में नागपुर मनपा में हर महीने पर हर प्रकार के काम पर रोक लगी रहेगी. यही वजह है कि पार्षद अधिकाधिक काम कराने के पक्ष में है, पर फाइलों की मंजूरी में मनपा प्रशासन की गति काफी धीमी होने से पार्षदों में आक्रोश भी निर्माण हो गया है. दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान अभिमत विद्यापीठ सावंगी मेघे द्वारा जो होनहार छात्र है उन्हें पूर्णतः निःशुल्क अभियांत्रिकी शिक्षा दी जाएगी. वैसे ही जो बच्चों के माता पिता की कोरोना से मौत हो गई है उन छात्रों को भी शिक्षा में दिलासा दिए जाने की जानकारी दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान विद्यापीठ द्वारा दी गई है. संस्थापक माननीय दत्ताजी मेघे साहेब यांच्या संतांशिवा वाढदिवसानिमित्त यांच्या युनिव्हर्सिटीने जे एक्सपान्शनची परवानगी मिळाली युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून त्याअंतर्गत यावर्षीपासून आपण इंजिनिअरिंग आणि टेक्नॉलॉजी फॅकल्टी सुरू केली आणि त्याच्या फाउंडर साईटमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक ब्रांचमध्ये पहिल्या 10 विद्यार्थ्यांना वर्धा जिल्ह्यातल्या त्या विद्यार्थ्यांना पूर्णतः 4 वर्ष एकही पैशांना घेता शिकवण्याचं त्याला आपण दत्ता मेघे टेक्निकल स्कॉलरशिप असं नाव दिलं आणि या मोहिमेतून वर्धा जिल्ह्यातल्या 50 होतकरू विद्यार्थ्यांना पूर्णतः मोफत शिक्षण द्यायचं आमचा उद्दिष्ट आहे. त्याची अट फक्त एकच आहे, ती म्हणजे त्या विद्यार्थ्याने 12वीच्या परीक्षेमध्ये किमान 60% गुण मिळाले पाहिजे आणि पुढच्या युनिव्हर्सिटीच्या ज्याही परीक्षा आहेत त्या पहिल्या अटेम्प्टमध्ये पास झाल्या पाहिजे, तर ही स्कॉलरशिप त्याला 4 वर्ष देण्यात येईल. या स्कॉलरशिपच्या अंतर्गत आपण त्या विद्यार्थ्याला पूर्णतः ट्युशन फीमधून माफी देतो आहे, त्याला एनरोलमेंट फीमधून माफी देतो आहे, त्याला परीक्षा फीमधून माफी देतो आहे, त्याला हॉस्टेलची गरज असेल तर हॉस्टेलची फी पूर्णतः माफ आहे आणि मेसची फीसुद्धा माफ आहे. अशा प्रकारे त्या हत्तूर विद्यार्थ्याला कुठल्याही प्रकारचा खर्च न येता 1+ युनिव्हर्सिटीची डिग्री मिळवून आणि त्यातल्या त्यात जे आर्ट सध्या अत्यंत इंडस्ट्रीशी जवळचे कोर्सेस आहेत जसं ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन डिझाईन आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड डाटा सायन्सेस आहे, कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी आणि कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी आहे, मेडिकल इक्विपमेंट आहे, अशा या 5 ब्रांचेस आहेत ज्याची आज खूप मोठ्या प्रमाणात गरज आहे इंडस्ट्रीला. असे कोर्सेस आपण याच्यात मुद्दामून सुरू केलेले आहेत आणि सोबतच अलाईड सायन्सेस नावाचे जे आम्हाला अजून एक स्कूल सुरू केलेलं आहे त्याच्या अंतर्गत 3 फॅकल्टी येतात, कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट, डिग्रल आर्ट्स अँड सोशल सायन्सेस आणि सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. याच्या अंतर्गत येणारे जे कोर्सेस आहेत
त्यांच्यामध्ये आपण सरसकट वर्धा जिल्ह्यातल्या विद्यार्थ्यांना 50% सूट आपण आजच्या दिवशी जाहीर करीत आहोत. नागपुर में फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ गुरुवार को नागपुर महानगर पालिका के एनडीएस पथक ने कार्रवाई करते हुए दुकानदारों का अतिक्रमण हटाया और उन्हें जुर्माना भी ठोका. ज्ञात हो कि इन दिनों दीपावली जैसा त्यौहार को देखते हुए शहर के बर्डी महल, जरीबटका और सक्करदरा आदि बाजारों में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदार नए नए तरीके अपना रहे हैं, जहाँ अपने दुकान के बाहर डेकोरेशन कर फुटपाथ पर अतिक्रमण चारों ओर दिखाई दे रहा है. इसी बात के मद्देनजर मनपा ने गुरुवार को सीताबर्डी और जरीपटका के बाजारों में जाकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई कर उन्हें चालान भी ठोका. वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर नागपुर द्वारा कल्याण केंद्र के माध्यम से स्टार्टअप की शुरुआत की गई. कावा अध्यक्षा कीर्ति जांभुलकर द्वारा यह लघु उद्योग शुरू किया गया. सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर नागपुर द्वारा कल्याण केंद्र के माध्यम से स्टार्टअप की शुरुआत की गई. इस पहल के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, साथ ही कैंप परिसर में रहने वाले पारिवारिक महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने में फायदा मिलेगा. इसी के तहत कावा अध्यक्ष कृति जांभुलकर द्वारा ये लघु उद्योग शुरू किया गया और 27 अक्टूबर को तकिया बनाने का वर्कशॉप का आयोजन कर महिलाओं को जानकारी दी गई. इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी. नाम से चलता है रीजनल कावा प्रेसिडेंट मिसेस कीर्ति जांभुलकर के बुलाने पे मैं यहाँ पे आई हूँ. मैंने लोगों को कैंपेन के तहत तकिया बनाना सिखाया है, जिससे जो सीआरपीएफ सिपाहियों की पत्नियां हैं, फैमिलीज हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, इनका आर्मी के स्तोत्र बढ़ सके और ये सेल्फ डिपेंडेंसी के साथ आगे बढ़ पाए. और इसी के चलते हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मेंटेन किए हैं, जिसमें कि तकिया है, जिसका प्रोग्राम आज सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है हमने. और सभी को मेरी तरफ से काफ़ी हार्दिक बधाइयाँ कि वो मेरे साथ जुड़ी रही और सबने बहुत अच्छा काम किया है. थैंक यू. त्योहारों के बीच कोविड संक्रमण के फैलने का अंदेशा प्रशासन ने जताया था, लेकिन पिछले 30 दिनों में तीसरी मर्तबा नागपुर जिले में एक भी संक्रमित नहीं मिला है. दीपावली के नज़दीक कोविड संक्रमित शून्य होना शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है. हालांकि प्रशासन ने नागरिकों से नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है. नागपुर जिले में गुरुवार को एक भी संक्रमित नहीं मिला. कुल संक्रमितों की संख्या 4,93,434 जबकि मृतकों की संख्या 10,121 पर स्थिर बनी हुई है. कोरोना की दूसरी लहर में नागपुर जिले में संक्रमण ने हाहाकार मचा दिया था. अप्रैल महीने में सर्वाधिक मरीज मिले और मौतें हुई, लेकिन जून महीने के बाद संक्रमण और मौतें घटने लगी. 29 सितंबर और 15 अक्टूबर को शून्य मरीज मिले. गुरुवार 28 अक्टूबर को गुरुवार को फिर से शून्य मरीज मिले. जिले में आज 2,829 नमूने जांचे गए. इसमें शहर के 2,095 और ग्रामीण के 7,034 नमूने हैं. पिछले 8 दिनों से 10 से कम संक्रमित मिल रहे हैं. वर्तमान में कोविड के 34 सक्रिय मरीज हैं. इसमें शहर के 30 और ग्रामीण के 4 संक्रमित हैं. बुधवार 27 अक्टूबर को हिंगना निवासी 53 वर्षीय महिला का कोरोना से निधन हो गया. स्वास्थ्य विभाग ने मरीज को ग्रामीण का बताया, लेकिन महिला गढ़चिरौली जिले की निवासी है. तबीयत खराब होने से वह हिंगना आई थी. वहाँ के एक निजी अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा था. उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. महिला को कोरोना के अलावा थायराइड सहित कई बीमारियाँ थीं. बार बार अपील किए जाने के बावजूद वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों पर लगाम कसने के लिए ट्रैफिक पुलिस विभाग ने नई तरकीब अपनाई है. गुरुवार से विशेष अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित पेट्रोल पंपों पर डट गई. हेलमेट नहीं पहनने वाले 1,564 लोगों के चालान काटे गए.
इसके साथ ही पेंडिंग चालान नहीं भरने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस सख्त कदम उठा रही है। डीसीपी सारंग आवाड और चिन्मय पंडित के मार्गदर्शन में ट्रैफिक विभाग के सभी 10 जोन में गुरुवार से ये कार्रवाई शुरू हुई है। सदर जोन के इंस्पेक्टर जगवेंद्र राजपूत के नेतृत्व में सदर जोन ने सबसे ज्यादा 248 वाहन चालकों पर चालान कार्रवाई की गई। MIDC 237, इंदौरा 236, कामठी 161, सक्करदरा 59, अजनी 176, लकड़गंज 63, कॉटन मार्केट 21, सीताबर्डी 199 और सोनेगांव जोन में 164 वाहन चालकों का चालान किया गया। इस वर्ष अक्टूबर महीने तक हेलमेट नहीं पहनने वाले 191,000 वाहन चालकों के खिलाफ चालान कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में चालान पेंडिंग है। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों ने चालान अदा नहीं किए हैं, इसलिए पुलिस ने नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के रिकॉर्ड को देखकर RTO से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। कुछ वाहन चालकों के खिलाफ न्यायालय में केस भी चलाया जा सकता है। पत्नी की साड़ी में आग लगाकर उसे जान से मारने के प्रयासों के बाद कपिल नगर पुलिस ने शिकायत पर सतीश नक्के के खिलाफ धारा 307, 323 और 34 के तहत मामला दर्ज किया। निचली अदालत द्वारा किसी तरह की राहत नहीं मिलने के बाद जमानत के लिए उसकी ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन तमाम दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश रोहित देव ने गैर वैवाहिक संबंधों के कारण पत्नी पर अत्याचार करने वाले याचिकाकर्ता को राहत से साफ इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता की पत्नी ने जानलेवा हमला किए जाने को लेकर 8 सितंबर 2021 को पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार याचिकाकर्ता इस मामले की अन्य आरोपी महिला के साथ निचली मंजिल पर रहता है, जबकि पत्नी और 8 वर्षीय बच्ची प्रथम मंजिल पर रहती है। आरोपी महिला के साथ याचिकाकर्ता के लंबे समय से अनैतिक संबंध है। इन्हीं संबंधों को लेकर याचिकाकर्ता कई बार पत्नी के साथ मारपीट करता रहता है। इसी तरह घटना के दिन भी न केवल मारपीट की बल्कि साड़ी में आग लगाकर उसे जान से मारने का प्रयास तक कर लिया गया। इसकी जांच अभी भी चल रही है। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वकील का मानना था कि भले ही कथित घटना हुई हो, लेकिन इसमें शिकायतकर्ता को किसी तरह का जख्म नहीं हुआ है, केवल ऊपरी तौर पर कुछ घाव और मुंह पर जलने के निशान भर है। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता लगातार कई तरह के आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है। केस डायरी के अनुसार वर्ष 2016 से 2019 के बीच ही 10 आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें एक मामला धारा 302 के तहत भी दर्ज हुआ है। याचिकाकर्ता के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए तथा इस मामले में भी छोड़े जाने पर शिकायतकर्ता तथा गवाहों पर किसी तरह का दबाव डालने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तमाम संभावनाओं को देखते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत से साफ इनकार कर याचिका ठुकरा दी। तो सुबह के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।